बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला जा रहा है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का 200 मिलीग्राम है, 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में से 10^21 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जा रहा है। हाउ मेनी ग्राम एंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट, कितने ग्राम और कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है उसका मास हमें ग्राम में बताना है और उसके मोल्स के बारे में बताना है, राइट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली कितने हैं वो निकालते हैं, ठीक। उसके लिए हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लें, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, 200 मिलीग्राम, मिली ग्राम। मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10^-3 ग्राम, मतलब ये हमने जो है 1000 से डिवाइड कर दिया तो अपॉन 1000, 1000 ऊपर जाएगा, 10^-3 हो गया, ये ग्राम में आ गया। इसकी वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 2 × 10^-1, ठीक, इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मींस ओवरऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड के का मास है वो 0.2 ग्राम है, 200 मिलीग्राम, इसको हम 0.2 ग्राम भी बोल सकते हैं, तो हम डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकते थे। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इसके मोल्स हम निकाल लिए और ये मोल्स आ जाएंगे 0.00455 मोल्स, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0.00455 मोल्स आ जाएंगे, राइट। इतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल थे जो कि 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में है, राइट। अब यहां हमें बोला जा रहा है कि ये जो मोल्स हैं इन मोल्स में से हम रिमूव कितना कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं 10^21 मॉलिक्यूल, राइट, 10^21 मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल्स रिमूव कर रहे हैं इसे हम मोल्स में निकालें कि ये कितने मोल्स हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स जो हैं वो रिमूव किए गए, दैट इज इक्वल टू, नंबर है 10^21 मॉलिक्यूल, इसे मोल में कन्वर्ट करना है तो 6.02 × 10^23 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए जो कि रिमूव किए गए, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी दैट इज इक्वल टू 0.166 × 10^-2, राइट। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे तो 0.00166 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव कर दिए गए, राइट। अब आप यहां देखो बेटा, हमारे पास टोटल मोल्स थे कितने, टोटल मोल्स थे 0.00455, राइट। इसमें से रिमूव कितना किया गया, रिमूव किया गया 0.00166, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमेनिंग है उसके मोल्स कितने आ जाएंगे, तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसे आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.00289, ठीक। इतने मोल्स जो होंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग, रिमेनिंग को मैं आर से लिख दे रहा हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जो हैं इतने रिमेनिंग रह गए, इतने बच गए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्राम एंड मोल्स बोथ। तो मोल्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर हमें इसका ग्राम कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे मास ऑफ रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास 44। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.00289, यहाँ से मोल्स आ गए और इसमें हम 44 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 0.127 16 ग्राम, राइट। तो ये दो आंसर हमारे हो गए, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग 0.127 16 ग्राम, या इसको हम कह सकते हैं 127.16 मिलीग्राम, राइट। चूंकि स्टार्टिंग में हमको जो मास दिया गया था वो मिलीग्राम में दिया गया था, तो ग्राम में भी हम ले सकते हैं, मिलीग्राम में भी ले सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स हैं, तो इसी मास को हम अगर मोल्स में कन्वर्ट करें तो ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास मीन्स दिस डिवाइडेड बाई 44, तो वो कितना आ जाएगा, 0.00289, राइट। ठीक है बेटा।